कानपुर के बिकरो गांव में यूपी पुलिस और गैंगस्टर विकास दुबे की गैंग के बीच जो शूटआउट हुआ उसमें डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी सहित विकास दुबे गैंग के 2 लोग भी मारे गए। इस घटना ने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी और विकास दुबे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। हाल ही में एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फूल भेंट करता हुआ एक शख्स नजर आ रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये विकास दुबे है जिसकी गैंग ने पुलिस कर्मियों को मारा। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं। इस तस्वीर में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो नाम से तो विकास दुबे ही है लेकिन इस गैंग से उनका कोई लेना देना नहीं। दरअसल ये शख्स कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष विकास दुबे हैं जिनका फोटो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई दे रहा है। हाल ही में विकास दुबे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं पिछले 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हूँ, मैं कई पदों पर रहा हूँ और ये जो तस्वीर वायरल कर मेरे खिलाफ गलत अफवाह फैलाई जा रही है इसको लेकर मैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फूल भेंट करते हुए एक शख्स की वायरल हो रही है वो क्रिमिनल विकास दुबे की नहीं है बल्कि ये कानपुर बुंदेलखंड के भाजयुमो अध्यक्ष की फोटो है जो योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं गैंगस्टर विकास दुबे की बात की जाए तो वो कई अपराधों में अब तक लिप्त रहा है और पुलिस लगातार उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।